बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आबिद अज़ीज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप शू पॉलिश यानी कि जूतों के ऊपर जो पॉलिश की जाती है ब्लैक या ब्राउन, आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स जो हैं उसको शामिल किया जाता है, इस शू पॉलिश की रेसिपी क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें रोजन जिसको बेरोजा कहा जाता है वो डालना है। दूसरे नंबर पर इसमें कैरनोबा वैक्स डाली जाती है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स पैराफिन वैक्स या पैराफिन हार्ट जिसको कहा जाता है वो डालते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट्स देसी मोम जिसको बी वैक्स कहा जाता है वो इसमें डाली जाती है। पांचवा इंग्रेडिएंट्स इसमें कलर होता है ब्राउन या ब्लैक, जो भी आप कलर बनाना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। और छठा इंग्रेडिएंट्स तारपीन ऑयल होता है। शू पॉलिश को तैयार करने का तरीका यह है कि आपने एक खुले मुंह का बर्तन लेना है, चाहे वो कढ़ाई हो कोई, उसमें आपने सबसे पहले बैरोजा डाल लेना है। हल्की आंच के ऊपर आपने बैरोजा को गर्म करना है। जब बैरोजा यानी कि रोजन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर आपने उसमें दो दो या तीन तीन मिनट के वक्फे से पैराफिन हार्ट, बी वैक्स और कैरनोबा वैक्स को शामिल करते जाना है। एक एक करके आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट बैरोजा में वो आपने मिक्स करते जाना है और उसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। जब 10 से 15 मिनट में ये चारों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से एक दूसरे में यकजान हो जाएं और मेल्ट हो जाएं, तो फिर आपने इसमें कलर ऐड करते जाना है। आपने ब्लैक कलर बनाना है या ब्राउन कलर बनाना है, जो भी आपने कलर बनाना है वो कलर आप इसमें ऐड करते जाएं और इसको हलाते जाएं। उसके बाद आपने इस महलूल को आग से नीचे उतार लेना है और इसको थोड़ा ठंडा होना देना है। जब ये थोड़ा हाफ ठंडा हो जाए उसके बाद आपने तारपीन ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है महलूल में, और इसको स्टिक की मदद से या बड़े चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हलाते जाना है, जहां तक कि ये सारे महलूल जो है वो यकजान हो जाए। और उसके बाद जब ये ठंडा होना शुरू हो तो आप इसको किसी भी जार में, किसी भी डब्बी में या ट्यूब में जो है वो महफूज रख सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स की जो मकदार आपने शामिल करनी है वो कुछ इस तरह से होगी कि 25 ग्राम आपने रोजन यानी कि बैरोजा शामिल करना है, 450 ग्राम आपने कैरनोबा वैक्स को ऐड करना है, 450 ग्राम ही आपने पैराफिन हार्ट जो है पैराफिन वैक्स उसको ऐड करना है, और 450 ग्राम ही आपने देसी मोम यानी के बी वैक्स जो है उसको ऐड करना है। 25 से 30 ग्राम तक आप इसमें कोई भी कलर ब्लैक या ब्राउन जो है वो ऐड कर सकते हैं, और तारपीन ऑयल जो है वो 900 ml आप इस महलूल में शामिल करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।